तो गाइज आपको टाइटल और थंबनेल देख के आइडिया तो लग गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। ये टॉपिक आपने में से किसी ने सजेस्ट किया था कि अमेजन पे जो सेल आने वाले हैं और फ्लिपकार्ट पे जो सेल आने वाले हैं उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो गाइज ये वीडियो उन्हीं के लिए है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी सजेशन दिया था। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अमेजन पे कौन कौन से सेल आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में और फ्लिपकार्ट पे कौन कौन से सेल आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में और फिर कितना ऑफ मिलेगा। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरू करेंगे अमेजन से कि अमेजन पे कितने सेल आते हैं। तो गाइज अभी अमेजन का जो एक ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल था, जो काफ़ी बड़ा सेल था, काफ़ी ह्यूज सेल था, काफ़ी अच्छा मार्केट किया अमेजन ने इस बार, लेकिन वो सेल खत्म हो गया। तो अगर आप वेट कर रहे हैं अगले सेल का तो ये वीडियो आपके लिए। तो गाइज एज यूजुअल अगर देखें ना तो अमेजन है ऐसा सेल हमेशा लेके आता रहता है, मंथ के स्टार्टिंग में दो सेल लेके आता है। एक जो होता है अपना वाओ सेलरी डेज सेल जो 1 से 3 तारीख तक चलता है, हर महीने में होता है, तो इस बार भी आएगा दिसंबर में। और दूसरा जो सेल होता है वो 1 तारीख से शुरू होता है और 7 तारीख तक चलता है, वो है ग्रोसरी सेल। और इन दोनों सेल में ICICI के कार्ड पे फ्लैट 750 का ऑफ मिल जाता है। और अगर वाओ सेलरी डेज सेल की बात करें तो फोन्स भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको अप टू 40% का ऑफ देखने को मिल जाता है। तो अब जो बड़ी सेल आएगी इन दोनों सेल के खत्म होने के बाद वो है बिग एसेसरीज हेस्ट और एसेसरीज सेल जो 24 to 26 दिसंबर तक होगा। इसमें आपको अप टू 70% का ऑफ मिलने वाला है ज्वेलरी के ऊपर, बैग्स के ऊपर और वॉचेस के ऊपर। और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स पे ऑफ मिलने वाले हैं, जैसे फोसिल हो गया, अमेरिकन टूरिस्टर हो गया, और भी अच्छे ब्रांड्स आपको देखने के मिल जाएंगे। मैं इस सेल का लिंक हो सके तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अभी से अनाउंस हो चुका था, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि अपना चैनल फैशन ओरिएंटेड है कुछ, तो चलिए बात करते हैं कि फैशन और क्लोथिंग पे कितना ऑफ मिलने वाला है और कब वो आने वाला है सेल। तो फैशन के लिए जो सेल आने वाला है 24 to 28 दिसंबर तक होगा, जो एंड ऑफ सीजन सेल होगा। इसमें आपको अप टू 70% का ऑफ मिलेगा फैशन और क्लोथिंग पे। तो गाइज ये टाइम अच्छा होगा, क्रिसमस का टाइम है, उसके बाद न्यू ईयर भी आने वाला होगा, तो देन अगर आप अपने लिए कुछ प्लान कर रहे हैं परचेज करने के लिए देन एक परफेक्ट टाइमिंग है ये। आप इस सेल का वेट कर सकते हैं और जाके जो परचेज करना आपको कर सकते हैं। लास्ट सेल था अमेजन का इस ईयर का पूरा। अब बात करेंगे फ्लिपकार्ट कौन कौन से सेल लेके आने वाला है। तो गाइज पहला जो फ्लिपकार्ट सेल लेके आएगा वो फ्लिप स्टार्ट डे सेल होगा, जो 1 तारीख से 3 तारीख तक होने वाला है। जो बेसिक जो सेल होता है, बेसिक जो ग्रोसरी और जो होम यूज के आइटम्स होते हैं उस पर जो बेसिक डिस्काउंट्स और ऑफर्स होते हैं वही देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज अगर आप टीवी लेने सोच रहे हैं 15 December to 18 December तक फ्लिपकार्ट एक सेल लेके आएगा जिसपे टीवीज पे काफ़ी सारे ऑफ मिलेंगे। इस सेल में अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है लेकिन उस टाइम के आसपास ये एक ऐसा सेल आएगा जिसपे टीवीज के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट होगा। इसके बाद जो सेल आएगा वो है इंडियर सेल जो 21 to 23 दिसंबर तक होगा। ये सेल काफ़ी अच्छा होगा, अगर आपको फोन्स लेना है तो फोन्स पे आपको अच्छे खासा यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएंगे और साथ ही साथ कुछ ICICI के कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। अब लास्ट में जो फ्लिपकार्ट अपना सेल देगा वो है जिंगल डे सेल जो 25 to 29 दिसंबर तक चलेगा। और इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हैं, गिफ्टिंग आइटम्स हैं, होम डेकोर के प्रोडक्ट्स हैं, इन सब पे अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास फेडरल बैंक के कार्ड्स होंगे देन 10% का डिस्काउंट आपको एडिशनल और भी मिल जाएगा। तो गाइस ये थे टोटल सेल जो अपने फ्लिपकार्ट और अमेजन पे आने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने मिंत्रा के ऊपर जो सेल आने वाले हैं उसको कवर कर लिया, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जितने भी प्रोवाइड करने होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। कोई कमेंट की सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर आइए। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, मासा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड्स।